डाबरा में विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हुसैन टेकरी शरीफ पर जाते समय एक व्यक्ति ने अपनी ही पत्नी पर चाकू से वार करके उसे घायल कर दिया और अपने दोनों बच्चों को जहर दे दिया। इस घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी। बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया है जहां डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी इंदौर का रहने वाला है और वो होली मनाने के लिए पूरे परिवार के साथ हुसैन टेकरी आया था, लेकिन इस बीच उसने क्या बात हुई कि उतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। फिलहाल पुलिस इसकी जाँच कर रही है। ये मामला तो मेरे को नहीं मालूम। ये आए थे घूमने फिरने, जावरा आए थे हुसैन टेकरी, पाँच एक दिन, ये मंगलवार को आए थे। कौन कौन आया था? मेरा भैया, भाभी और दोनों बच्चे, चारों परिवार ही आया था इनका जी। तो ये आए थे तो चार पांच दिन से रहे ये, और आज मेरे को सुबह 8 बजे फोन आया, बोलते भाभी ने बोला कि आप इंदौर से निकलो जल्दी से, यहाँ पर आ जाओ, तबीयत खराब है हमारी। बस ये बात हुई है सर। इसके बाद कुछ नहीं। फिर आपने आके देखा तो? यहाँ देखा तो इनका तो ये तो खत्म हो चुके थे। कौन कौन खत्म हुआ? इसमें से लड़का भी खत्म हो गया, लड़की भी खत्म हो गई और लेडीज घायल। लड़के का क्या नाम? आदित्य चौहान। लड़की का? राखी चौहान। और जो आपका भाई, उसका नाम? उसका नाम दिनेश चौहान। चौकी क्षेत्र में जहाँ थाना आई है, जावरा क्षेत्र लगता है, वहाँ सुबह सुबह चौकी पर एक सूचना प्राप्त होती है कि एक महिला घायल है और उसके दो बच्चे जो है वो अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं, जिस पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुँचती और वो बच्चों को हॉस्पिटल भिजवाती है, जहाँ पहुँचने के बाद में डॉक्टर उनको मृत घोषित करता है। और जो महिला थी वो घायल थी, उसको भी तत्काल भिजवाया। वहाँ जाकर जब महिला से साधारण तौर पर जो पूछताछ हुई है प्राथमिक तौर पर, तो उनका ये कहना है कि उनका पति और महिला और दो बच्चे यहाँ पिछले मंगलवार से यहाँ आए थे अपने स्वास्थ्य लाभ लेने के हिसाब से, और उसके बाद में उसने कुछ मतलब बहुत स्पष्ट रूप से तो नहीं बताया चीज़ों को, पर अभी हम लोग उसमें कर रहे हैं। तो उसमें जो बच्चों की डेथ हुई है उसमें पीएम करवा रहे हैं। पीएम करवाने के बाद में उसकी उनकी मृत्यु का कारण है वो और पता चलेगा। और महिला को यहाँ से एडमिट करवाया है रतलाम के लिए, तो रतलाम में वो डिटेल उसके स्टेटमेंट हो जाए, उसके बाद जो प्राथमिक स्टोरी है, चूँकि महिला उसमें पड़े था तो वो बताएगी, उस हिसाब से फिर हम आगे बढ़ेंगे। और अभी वो जो दिनेश है, जो उनके पति है, वो अभी यहाँ है नहीं, और जो आसपास के लोगों से जानकारी लगी कि सुबह यहाँ से वो निकल गए हैं, तो प्राथमिक तौर पर हमको ये लग रहा है कि उसने कोई घटना कारित की है, इस हिसाब से यहाँ से निकला है। परिजन आ गए हैं, उनके परिजनों के सामने उनका पीएम और बाकी कार्रवाई करवाएंगे। आगे फिर जो भी होगा फिर आप लोगों को ब्रीफ अलग से करेक्ट किया जाएगा। ओके सर।